हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फिलहाल जो है, जो नेक्स्ट व्लॉग था ना मेरा, उसका ये कंटिन्यू किया था मैंने आगे मॉर्निंग तक, लेकिन दोनों साथ में नहीं डाल पाई बिकॉज व्लॉग बहुत लंबा हो जाता, तो उसी का आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। फिलहाल हम लोग बैठे हैं सुबह सुबह, और आज सिद्धार्थ की छुट्टी थी। सिद्धार्थ की 4 डेज़ का ऑफ था, सैटरडे संडे तो रहता ही है, पर इस बार पता नहीं किस रीज़न की वजह से, लेकिन स्कूल में, मतलब सिद्धार्थ के सिर्फ स्कूल में, पर्टिकुलर उसी के स्कूल में फ्राइडे और आज मंडे, मतलब पूरा 4 दिन की लगातार छुट्टी थी। तो सुबह का काम हमारे पास एकदम हल्का था आज, क्योंकि जब स्कूल होता है ना तो बहुत भागम भाग रहती है। तो आज बहुत दिन से ड्यू थी एक चीज़, तो वो मिलके हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा हस्बैंड को मेरी हेल्प की ज़रूरत होती है। तो गिटार की उनकी स्ट्रिंग्स बहुत पुरानी हो गई थी, तो हम दोनों बैठकर कर रहे हैं स्ट्रिंग चेंज। उनका सारा काम करवाने के बाद मैं आई हूँ किचन में, और चाय वगैरह हमारा यहाँ पे हो चुका था, सुबह का जो पानी चाय वो सब हो चुका है। और आज मैं बनाने वाली हूँ बथुआ और आलू का खुरचन। एक बार मैंने काफ़ी पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था पालक और आलू का खुरचन, तो ये भुजिया बोल सकते हैं, खुरचन बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पर्टिकुलरली इसको खुर्री बोला जाता है। मेरी मम्मी साइड की बात कर रही हूँ, वहाँ पर इसको खुर्री बोला जाता है, तो खुर्री मतलब खुरचन, खुरचन ही बोलते हैं। तो मैं बथुआ का बना रही हूँ आज, बहुत ही सिंपल है, और साग वगैरह है तो कोई मसाले वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस टेक्निक है कि कैसे कैसे बनाना है, और स्वाद में अंतर ज़रूर आता है। आप ऐसे ही छोंक दो या थोड़ा सा अलग तरीके से बनाओ तो उससे अंतर ज़रूर आता है। तो सबसे पहला तो कटिंग, तो बथुआ बहुत महीन महीन काटना है। बथुआ मैंने कल ही बना के रख दिया था, आज उसको वॉश करके भी मैंने रख दिया था, पानी उसका अलग हो गया। अब मैं उसको जितना महीन हो सकता है मुझसे, मैं उतना महीन काटूंगी। और एक यहाँ पे मैं आपको बात बोलना चाहूँगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो साग वालों से साग कटवा के लेते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ आप बिल्कुल ऐसा ना करें। घर पे साग को लेकर आएँ, खुद सुधारें, खुद बनाएं, और जब एक बार आप घर पे साग को लेकर आएंगे, उसको खुद सुधार के खुद बना के देखेंगे ना, तो 40% जो है उसमें वेस्ट और ख़राब चीज़ें निकलती हैं। कई बार आप बथुआ लेके आओ और उसमें अलग अलग तरीके के घास और पत्ते होते हैं, कई बार कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, मकड़ियाँ हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप ना खाएं, इससे अच्छा वो बेहतर है, या 4 बार बनाने की जगह 1 बार बनाएं, 2 बार बनाएं पूरे सीज़न में, लेकिन साग अपने आप साफ़ करें, अपने आप धोएं। आप प्लीज़ साग को बाहर से कटवा के मत लाएं, वो बहुत ख़राब है, कोई फ़ायदा नहीं है खाने का, पता नहीं कीड़ा मकोड़ा भी उसी के अंदर कट जाता होगा, किसे पता है। तो प्लीज़ साग हमेशा खुद ही करें, बहुत गंदगी निकलती है जब आप खुद साग को बनाते हो ना, आप एक बार बना के देखोगे ना तो समझ आएगा आपको। तो यहाँ पे मैंने बथुआ है वो कट कर लिया है एकदम महीन महीन, उसके बाद मैंने आलू कट कर लिए हैं, और ये लहसुन कट करने का एक तरीका है, जब आपको एकदम महीन महीन कट करने हो ना, तो इस तरीके से दोनों फिंगर्स के बीच में रखिए, उसको स्लाइस कीजिए और उसके बाद कट कीजिए। और इसके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ वाला चाकू मत यूज़ कीजिएगा, नहीं तो आपकी फिंगर्स हर्ट हो सकती हैं। जो बस हल्का चाकू हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा शार्प ना हो, वो वाला यूज़ करेंगे तो आप एकदम महीन जो है लहसुन जो है उनको कट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एकदम महीन महीन मैंने लहसुन भी कट कर लिया है, और इसी तरीके से मैं यहाँ पे मिर्चें भी कट कर लूँगी। तो 2 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली हैं। में मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल, और सरसों के तेल वगैरह में ही साग जो है वो बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर मैंने डाला है जीरा, तो जीरा यहाँ पे अच्छी तरीके से सिक चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी लहसुन और हरी मिर्ची जो हमने महीन महीन चॉप करके रखे थे, इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि हमें यहाँ पे आलू हैं उनको भी भूनना है। तो आलू भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में ही काटे थे जैसे आप देख सकते हो,
तो अब मैंने आलू तुरंत डाल दिया है। अब आलू जो है वो भी लहसुन के साथ साथ पक जाएगा। बस कुछ सेकंड पहले आपको लहसुन डालना है, उससे क्या होगा लहसुन आपका जलेगा भी नहीं जिस टाइम आप आलू भून रहे होंगे। और जब भी आप कोई साग बनाए, चाहे वो आलू पालक हो, आलू मेथी हो या फिर आलू बथुआ हो, तो आप हमेशा थोड़ा सा पहले आलू डालें और आलू को भूनें। उनका एक मतलब लाल लाल नहीं भूनना है, लेकिन हाँ एक होता है ना चारों तरफ एक जो लेयर आ जाती है हल्की सी भुने हुए की, वो आ जानी चाहिए, तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्ट वाली बनती है। तो यहाँ पे आलू बहुत लाल नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ मैंने इनको एक मिनट तक लगभग भुना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है हल्दी। हल्दी भी आप आलू में ही ऐड करें तो बेटर है। अगर आप साग डालने के बाद हल्दी ऐड करेंगे तो आलू में उनका कलर नहीं आएगा और आलू सफ़ेद सफ़ेद से दिखेंगे आपके, तो इसीलिए जब आलू डालें उसी समय हल्दी डाल दें। और उसके बाद ही हमने डाला है साग यानी बथुआ। और बथुआ का कुछ लोग मुझसे नाम पूछ रहे थे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। मैंने गूगल पे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन गूगल पे कोई इंग्लिश नाम मुझे इसका नहीं मिला। इसको चकावत या कुछ ऐसा भी बोलते हैं, मराठी में, बंगाली में अलग अलग नाम मिल गए, पर इंग्लिश का कुछ ऐसा नाम नहीं मिला। लेकिन आजकल जो भी साग मिलते हैं और जो भी साग वाले हैं, सबके पास आपको बथुआ, मेथी, सोया, ये सब तो मिल ही जाएगा, तो उन्हीं से आप पूछेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे मैंने साग डाला, उसको हल्का सा भूना, फिर उसमें नमक ऐड कर दिया है। बस इसको ढकना है और ढक के बीच बीच में चलाते हुए तब तक पका लेना है जब तक आलू अच्छे से नहीं पक जाते, बथुआ अच्छे से नहीं पक जाता। तो थोड़ी देर में ही लगभग ये पक जाते हैं, 5-6 मिनट तक तो लगता है इसमें। तो मीडियम फ्लेम पे ही मैंने इनको पकाया था ताकि थोड़ा प्रोसेस जल्दी हो जाए, और बीच बीच में चलाते ज़रूर रहिए। और देखिए इसमें खुर्री या खुरचन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेन पकाने के बाद जब आलू लगभग 90% 95% तक हो जाता है, तो उसके बाद फ्लेम को हाई, मीडियम हाई पे करके, एकदम हाई नहीं, मीडियम हाई पे करके, और इस तरीके से आपको इसे भूनना होता है कम से कम 5 मिनट तक लगभग आप इसको भूनते रहिए। और नीचे जो ये खुरचन लगती है ना, ये जला हुआ सा लगता है, ये बेसिकली आलू चिपकता रहता है और ये पत्ते भी चिपकते रहते हैं, उनको खुरच खुरच कर आप इस सब्ज़ी में मिलाते रहिए। और ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जितना टाइम आपका सब्ज़ी बनने में लगेगा लगभग उतना ही समय आपको इसको इस तरीके से खुरच खुरच के चलाने में और भूनने में लगेगा। तो ये प्रोसेस करने से सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। अगर आपके पास नॉनस्टिक है, आप नॉनस्टिक यूज़ करते हो तो उसमें करेंगे तो और बढ़िया बनेगी, पर इसको 5 मिनट तक लगभग आप मीडियम फ्लेम पे भूनिए। सूखी सूखी सी एकदम मस्त वाली ये सब्ज़ी बनेगी। और यहाँ पे हस्बैंड का वो ब्रेकफास्ट था, रोटी, चटनी और वही वाली खुरचन, मतलब बथुआ खुरचन। यहाँ पे मैं टिफ़िन वगैरह पैक करने में बिज़ी हूँ। ये वाली सब्ज़ी बोल लीजिए, भुजिया बोल लीजिए, या आलू बथुआ खुरचन, प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा। इसी तरीके से बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी, और आप लोग कैसे बनाते हैं वो भी मुझसे शेयर कीजिएगा, इसमें क्या अलग और करते हैं, तो मैं वैसे भी ट्राई करके देखूँगी। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? रोल बोलू। बस 15 मिनट हो गया, रोल बोलू हो गया, चलो उठो ना। ज़्यादा मस्ती मत करो। और आज मैं ये बेडशीट बिछाने वाली हूँ, पता नहीं क्यों लेकिन मन कर रहा है न्यू बेडशीट बिछाने का। और ये चिका इसको रख लो, इसमें रख लो बेडशीट। Thank you.
से मुझे लग रहा है मैच नहीं कर रहा है, लेकिन बेडशीट बहुत बढ़िया लग रही है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बिछाई है और ये उन्हीं चारों में से है जो मैं लेके आई थी सरोजनी से। अच्छी बहुत लग रही है ये, मुझे लगा नहीं था ये इतनी अच्छी लगेगी, पर बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। ये पूरा वाइट बेडशीट है और प्रिंट है इसके ऊपर, इसका कॉटन काफ़ी अच्छा है। और यही आई थिंक सबसे महंगी बेडशीट यही थी, 1250 की यही थी, यही सबसे लास्ट में मैं बिछा रही हूँ। कैसी लगी आपको बताना। क्या बना रहे हो बेटा? इलेक्ट्रिक सैटेलाइट। क्या बना रहे हो? सैटेलाइट। सैटेलाइट बना रहे हो बैटरी की। तो सिद्धार्थ को स्पेस वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट है, इसीलिए हमने डॉक्यूमेंट्री मूवी देखी थी ईयर इन स्पेस। कौन सी मूवी देखी थी तुमने? कौन सी देखी थी? ईयर इन स्पेस। ईयर इन स्पेस कैसी लगी तुम्हें मूवी? बहुत मस्त। आप रिकमेंड करते हो सब बच्चों को देखने के लिए? 7+ है। पर 7 से नीचे वाले बच्चों को समझ नहीं आएगी ना। मुझे तो आ गई।